छोड़ दीजिए। जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, दुखी नहीं निकलेगी, छोड़ दो। अभी आपने देखा कि एक महिला एक लड़के को भयानक शारीरिक यातनाएं दे रही थी। लड़का दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था और इस कदर तड़प रहा था कि उसे देखकर ही किसी का दिल दहल जाए। लेकिन इस महिला के चेहरे पर दया तो दूर, शिकन तक नहीं थी। आखिर कौन थी ये महिला और क्यों वो इस लड़के को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी? क्या था पूरा घटनाक्रम? आइए देखते हैं। जी आपके यहाँ किराए पे कमरा खाली है क्या? जी चलिए। हाँ, ये है कमरा। यहाँ बेड, अलमीरा, यहाँ बाथरूम है। इनफैक्ट यहाँ पे ना व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ सूरज की रोशनी भी आती है। हाँ, रूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। एक्चुअली मुझे ऑफिस में आते वक्त कभी लेट हो जाता है। नहीं नहीं, दो दरवाजे, पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है। अगर आपको लेट हो जाए तो आप उस पीछे के दरवाजे से आ सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ का मंथली रेंट कितना होगा? 2000 रुपये, पर आपको 3 महीने का रेंट एडवांस में देना होगा। ठीक है। वैसे आप शादीशुदा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने बाहर बोर्ड पढ़ा तभी तो यहाँ रूम देखने आया। आप अपना सामान ले आइए। एक बोतल पानी दीजिएगा। लगता है यहाँ नए रहने के लिए आए हो। जी, पर यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिखने में तो समझदार लग रहे हो, पर जरा सोचो कि एक जवान लड़के का एक कुंवारे लड़के को किराए पर मकान देना कोई तुक बनता है क्या? और जब कोई तुक नहीं बनता तो कुछ ज्यादा दिन तक कैसे टिक पाए, ये कैसे संभव है? बंटू सही है, आज के जमाने में कोई लड़की अकेले नहीं रह सकती। अकेली लड़की के लिए तो बस बकवास बातें करा रहे हो लोगों से। अरे मेरे बड़े भैया, आपने लोगों की बातों के बारे में सोचना बंद कर दो। आप बस आराम से रहो, मजे से। अच्छा पहले माँ से बात कर लो। लो पहले आप बात करो। हेलो शेखर, कैसा है बेटा तू? माँ बिल्कुल अच्छा हूँ। हाँ, और अब तो घर भी मिल गया है। हाँ हाँ, घर तो मिल गया है, लेकिन मैं ये क्या सुन रही हूँ, जिस लड़की का घर तुमने लिया है वो अकेली रहती है? माँ परेशान मत होइए। और वैसे भी आजकल बैचलर्स को किराए पे घर कौन देता रहने के लिए? हाँ वो सब तो ठीक है बेटा, पर देख तू ना इतनी दूर गया है, अपनी मर्यादा बनाए रखना। हाँ माँ, मेरी चिंता मत करिए और अपना ख्याल रखिए। तू भी अपना ख्याल रखना। रखता हूँ। होगी बात दो, आप भी ऐसी टेंशन लेते हो, मैं हूं ना। नीलू
शेखर, 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 शेखर। वो निराली जी, वो लड़की मेरे कमरे में कैसे आ गई? मैं नहीं जानता, वो पता नहीं कौन है। नीलू, 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 यहाँ क्या कर रही है? दीदी, नीलू ये तेरा कमरा नहीं, उठ जा। सोने दो दीदी। नीलू तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठो। नीलू, नीलू चल, चलो 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 चलो, उठ जा बाबा। तुम यहाँ कैसे आए? ये तुम्हारा कमरा नहीं है। हाँ? दीदी मैं तो सो गई थी। मैं यहाँ नहीं आई, कौन लाया मुझे यहाँ पे? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आपकी बहन यहाँ कैसे है। अरे मैं तो सो रहा था कि आपकी आवाज से मेरी नींद खुली और मैंने देखा यहाँ पे इसे। आप चुप रहिए, चलो आजा आजा, चल चल। निराली जी, मुझे कुछ नहीं पता। अमी मैं तो सो रहा था, आपकी आवाज से मेरी नींद। मैं जानती हूँ, आप परेशान मत होइए। उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह है, कुछ समझती नहीं। क्या? दरअसल उसे आदमी और औरत का फर्क भी नहीं पता। उसे हमेशा रात को मैं कमरे में बंद करके सोती। कल रात उसे कमरे में बंद करना भूल गई थी। अगर कोई बुरी नीयत वाला इंसान होता तो पता नहीं उसके साथ क्या कर लेता। तुम बहुत अच्छे इंसान, भूख लगी होगी ना तुम्हें? मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ बंटू यार, वो अच्छी लड़की है, अपनी बहन को संभालती है, सबका ध्यान रखती है। क्या बात है बड़े भैया, लगता है आपके दिल में भी घंटी बज गई। पहली नजर में प्यार हो गया अपनी मकान मालकिन से आपको, बता दो। देख ऐसी कोई बात नहीं, तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा। हाँ अच्छा, मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके बड़े भैया, बाय। निराली जी आप तक सोई नहीं? तुम्हें खाना खिलाना था ना, और क्या हुआ अब? आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। देखो ना, पता नहीं क्या हुआ, आज लाइट भी चली गई। हाँ पर आपको इतनी लेट तक नहीं जागना चाहिए था, मैं खाना गर्म करके खुद खा लेता। जाके फ्रेश हो जा, मैं खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो शेखर। एक ही दिन में आपने ऐसा कैसे समझ लिया? एक दिन या एक पल इंसान कैसा है ये जानने के लिए काफी होता है। निराली जी आप थक गई हैं, जाके सो जाइए। नहीं मैं बिल्कुल थकी नहीं, वैसे भी नींद कहाँ आती है नीलू के कारण। इतना परेशान कर देती है कि समझ नहीं आता कि क्या करूं। वो क्या है निराली जी, आप अकेली है ना, इसीलिए परेशान हो जाती है। आप शादी कर लीजिए, आपकी सारी परेशानी खत्म।
तुम करोगे मुझसे शादी? चौक गए शादी का नाम सुनकर सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। देखिए वो ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आपने अचानक से मुझसे पूछा तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे क्या बोलना। इसका मतलब है तो तुम मुझसे शादी करोगे है ना? घबराओ मत, मजाक कर रही थी। वैसे भी मेरे साथ कौन शादी करे? मैं मेरी बहन नीलू को नहीं छोड़ सकती। वैसे भी कौन लड़का ऐसा होगा जो मुझे मेरी बहन के साथ अपनाएगा? कोई नहीं। खाना खाना। सॉरी किस लिए? अरे अच्छा, ये टूटा हुआ वास? तुम चिंता मत करो, ये वैसे भी बहुत पुराना हो चुका और मैं इसे बदलने वाली थी। अब नहीं, वो दरअसल कल रात। क्या दीदी? नीलू क्या ये? हाँ कैसे कपड़े पहनते? तू बच्ची नहीं है, ढंग से कपड़े पहना कर। हाँ प्लीज इसे डांटिए मत, इसका दिमाग बच्चों जैसा है, ये कहाँ समझे कि बड़ों वाली बात है। शेखर सब इंसान तुम्हारी तरह नहीं होते, मगर इस दुनिया में कैसे लोग हैं तुम जानते हो, बस इसलिए चिंता लगी रहती है। चलो ठीक से पहन। नौकरी के लिए शेखर को अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा और जब निराली के घर में उसे रहने के लिए कमरा मिल गया तो वो फौरन तैयार हो गया, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि निराली कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रही थी। अकेले लड़कों को अपने घर में किराएदार रखना और फिर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करना निराली की साजिश का ही हिस्सा था। अब देखना यह था कि उसका अगला कदम क्या होगा। निराली जी मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आई और मेरे बगल में आके सो गई, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये नीलू का कमरा है और वो यहाँ नहीं आई, तुम उसके कमरे में आए हो। क्या तुम यहाँ नीलू के साथ? शेखर मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के सपने देख रही थी, न जाने तुम्हारे बारे में मैं क्या-क्या सोचने लगी और तुम यहाँ मेरी बहन के साथ में। निराली जी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो तुम, धोखा दिया है तुमने मुझे। मेरी बहन जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है उसके साथ तुम? निराली जी मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे रहा, मुझे
मुझे कुछ नहीं पता मैं यहाँ क्या है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। दीदी फिर पेट पे दर्द हो रहा, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूंगी। शेखर निराली जी, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई गलती नहीं की है। पुलिस को मत बुलाइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा यकीन कीजिए, आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं? अरे दरवाजा खोलिए, देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो ये है वो लड़का। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, इंस्पेक्टर लड़कियों की आंखें लूटता है। बोल बोल बोल। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ये लड़की इस मामले की चश्मदीद गवाह है, तू तो भिटक गया पूरे 14 साल के लिए। इंस्पेक्टर आपको कैसे यकीन दिलाओ मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए। अगर इसे सजा मिल भी गई तो क्या, मेरी बहन की इज्जत तो लूट गई, उल्टा यहाँ हम दोनों बहनों की बदनामी हो जाएगी। क्यों बे, इस लड़की की जिंदगी तो तू बर्बाद कर ही चुका है, और अगर जेल चला गया ना तो तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझा? इंस्पेक्टर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। देख गलती तो लड़कों से हो ही जाती है, और अगर तू सजा से बचना चाहता है ना तो अपना प्रायश्चित कर ले। इस लड़की को 10 लाख रुपए दे दे, उससे ये इसका इलाज तो करा देगी, और अगर तू ऐसा करता है ना तो इस मामले को मैं यहीं पे रफा दफा कर दूंगी। अबे बोल। मेरे पास 4 लाख रुपए जमा, मैं आपको वो दे देता हूँ, जाने दीजिए। ठीक है, मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा काम किसी के साथ नहीं कर सकता। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, जो मेरी बहन के साथ किया है प्लीज किसी और के साथ मत कर। चल निकल यहाँ से। फीस 500 रुपए और दे, इस वर्दी का भाड़ा लगा है, भाड़े पे लानी पड़ती है वर्दी। क्या आंटी, एक वर्दी खरीद लो ना, हमारा तो हर महीने का यही काम पड़ता है, कम से कम वर्दी खरीद लो कि तो किराया तो नहीं देना पड़ेगा। चलो ना दीदी अंदर पार्टी करने चले। काफी टाइम हो गया, चलो पार्टी करेंगे आज। बंटू बात हुई शेखर से? नहीं माँ, कल से उन्हें ही फोन ट्राई कर रहा हूँ, कल जा रही है पर भैया फोन ही नहीं उठा रहे। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, तो एक काम कर मथुरा जा और पता कर कि कहाँ है शेखर। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि आज कुछ महिलाएं इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं।
जिसकी वजह से कई बेगुनाहों को सजा भुगतनी पड़ती है, और ऐसी महिलाओं की जितनी भी निंदा की जाए कम है। शेखर इन दोनों बहनों का पहला शिकार नहीं था, अब तक न जाने कितने लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी थी ये, और कभी पकड़ी नहीं गई थी। उधर शेखर के घर वाले इस वक्त बेहद परेशान थे, क्योंकि शेखर का कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर वो गया तो गया कहां? जी कहिए। वो मुझे एक रूम चाहिए रेंट पे, मिलेगा? जी आइए। क्या हुआ? नहीं कुछ। कमरा उधर है, आओ। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए। भैया वो घर देख रहे हैं आप? कैसी जगह है वो, मतलब अच्छे लोग तो रहते हैं ना वहाँ पर? किराए पे रहने आए हो? जी भैया, वो मैं आज ही रहने आया हूँ यहाँ पर। लेकिन आए हो तुम, रहो हफ्ते दो हफ्ते, उसके बाद मतलब खुद खुद पता चल जाएगा तुम्हें। देखो भैया, अगर आप कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे भाई सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि उस मकान में जो भी लड़का रहने आता है कुछ ही दिनों बाद अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर वापस चला जाता है। चला जाता है? कहाँ चला जाता है? अब हमें क्या पता यार कहाँ चला जाता है। थैंक यू। सुनो तुम फ्रेश हो जाओ, खाना मैंने गरम कर रखा है। तो क्या है कि खाना तो मैं बाहर से खा कर आया हूँ। सर अगली बार अगर बाहर से खा के आओ तो मुझे एक बार फोन कर देना, क्योंकि खाना वेस्ट हो मुझे बिल्कुल पसंद। जी वो क्या है कि आप कल से खाना मेरे लिए मत बनाया कीजिए, मुझे आने में देर हो जाती है, मैं खाना बाहर से खा कर आता हूँ। थैंक यू सो मच। मकान मालकिन जी, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन। आपकी बहन? आपकी बहन रात को मेरे कमरे में आ गई और यहीं आकर सो गई, और फिर मैं हॉल में जाकर सोफे पे सो गया। क्या आपकी बहन को नींद में चलने की बीमारी है? नहीं एक्चुअली वो दिमागी रूप से ना जरा बच्चे की तरह है। I'm sorry, आपको मेरी बहन के वजह से ना हॉल में सोना पड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। नीलू चलो उठो। सोने दो दीदी। चलो उठो। चलो आओ आओ। चलो तुम्हारा कमरा नहीं है हाँ? नीलू की तबीयत ना खराब हो गई है, तुम प्लीज उसके कमरे में जाके बैठो ना, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज तुम मना मत करना, मैंने उसे दवाई देके सुला दिया है, तुम बस उसके बगल में जाके बैठ जाओ, अगर वो उठ गई ना तो उसे बाहर मत जाने देना और उसका हाथ पकड़ कर वहीं पे रहने देना। मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। नीलू
मैं तो पागल नहीं हूं, लेकिन तेरे इस पागलपन के ढोंगा भांडा आज टूट गया। अब बता क्यों पागल बनने की एक्टिंग कर रही थी, बोल। मकान मालकिन जी, मुझे तो पहले ही देख के पता लग गया था कि आपकी ये छोटी बहन दिमागी रूप से बच्ची नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही थी, झूठ बोल रही थी ये आपसे। अब अगर ये बात मैं आपको पहले बता देता तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। आप पूछिए अपनी बहन से कि वो ऐसा क्यों करती थी। नीलू, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हाँ, क्यों कर रही थी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने इस डर की वजह से किया कि शादी करके मुझे छोड़कर चली जाएंगी। प्लीज मुझे माफ कर, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मकान मालकिन जी, रहने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे। बिल्कुल नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। हेलो, चल क्या कर दिया तूने? हाँ, जरा सा पानी क्या डाल दिया, बकरी की तरह मैं करने लग गई, सारा भेद खोल दिया। दीदी मुझ पे गुस्सा मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो, आज तक कभी भी किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ, फिर से मुझ पे शक कैसे हो गया? मुझे क्या पता, कर दी होगी तूने ऐसी वैसी हरकत। नहीं, अगर आपने ध्यान दिया तो इसने आज तक हमारी कोई भी चाल को कामयाब नहीं होने दी। दीदी कहीं से हमारे बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे पता होता तो पुलिस को सीधे यहाँ ले आता। मुझे ना ये चालाक लोमड़ी टाइप लगता है, ज्यादा ओवर स्मार्ट। वो हमारे इस जाल में नहीं फंसने वाला, उसके लिए एक अलग सा खतरनाक जाल बुनना पड़ेगा। नीलू, तूने तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ। दीदी प्लीज, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत है तुम्हें? दीदी प्लीज, दीदी मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया और तुमने ये सब नाटक किया। ये क्या कर रही हैं आप? इतना मारेंगी तो मर जाएगी ये। आपकी छोटी बहन है ये। बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है ना तू? अब देख कि तेरे साथ क्या होता है। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? हटो यहाँ से। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तो तू है वो जो इस मासूम लड़की के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा है। अब देख मैं तेरे साथ में क्या क्या गलत करती हूँ। बस, पहले पागलपन का नाटक, फिर रेप का नाटक, और अब ये नकली पुलिस। बस बंद करो नौटंकी। अरे कोई नाटक कंपनी खोल लेते तो ज्यादा पैसे कमाते तुम लोग। ए? कौन है तू? मैं तुम लोगों के सारे खेल समझ चुका। अब अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो ओ!
कौन है तू और हमारे बारे में क्या जानता है? बोल, पुलिस का आदमी है ना? पुलिस से मिला हुआ है ना तू? मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, शेखर सक्सेना का भाई हूँ मैं। और उन्हीं को ढूंढने में यहाँ पर आया था। मुझे समझ में नहीं आया कि जो लड़का मैं सच में पसंद करने लगा था, तुमसे प्यार करने लगा था, वो अचानक से गायब कैसे हो गया? और फिर मैं यहाँ पर आया और किराने वाले ने मुझे बताया कि जितने भी लड़के यहाँ किराए पे रहने आया करते थे वो सब यहाँ से भाग जाते। तो बस तुम लोगों के असलियत जानने की मैं कोशिश करने लगा। क्या कर लिया तूने? हाँ, जरा सा पानी क्या डाल दिया, बकरी की तरह मैं करने लगा, सारा भेद खोल दिया। दीदी मुझ पे गुस्सा मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो। आज तक कभी भी किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ, तो फिर इसे मुझ पे शक कैसे हो गया? अच्छा, तो तू हमें फंसाने आया है, तेरा तो वो हाल करेंगे कि देखो मैं यहाँ पर हूँ ये बात पुलिस को पता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं उन्हें सब कुछ इन्फॉर्म कर चुका हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, बंटू बोल रहा हूँ। जी, कल रात को मेरी आपसे बात हुई है। हाँ, इनका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। देखिए इंस्पेक्टर, अगर मैं आपको आधे घंटे तक कॉल बैक ना करूँ तो आप प्लीज यहाँ पर आ जाए। बस अब पुलिस आती ही होगी, तुम्हारा खेल खत्म। झूठ बोल, हाँ डरा रहा है तू हमें? अब देख तेरा वो हाल करूंगी कि लो आगे प्लीज। नीलू पुलिस आ गई है, मुझे कुछ कपड़े दो चेंज करने के लिए। चल चल। जी, यहाँ बंटू नाम का लड़का किराए पे रहता है, कहाँ है वो? यहाँ तो कोई किराएदार नहीं है। सच सच बोलो, वो हर रोज हमारे साथ कांटेक्ट में था, बोलो कहाँ छुपाया उसे? मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप खुद ही ढूंढ लीजिए। ढूंढो, घर का कोना कोना छान मारो, वो लड़का यहीं कहीं होगा। तुम वहां देखो, तुम वहां देखो और तुम इनके साथ रहो। क्या हुआ मिला? चलो ऊपर देखते। सर ऊपर कोई नहीं है। सर मेरी बात तो सुनिए, तुम लोग यहाँ चेक करो। बंटू 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 बंटू, इंस्पेक्टर मैं ठीक हूं, थैंक यू। एक मिनट इंस्पेक्टर, निराली मेरा भाई कहां है? मुझे सच में नहीं पता कि वो कहां है। गाड़ी में बिठाइए।
यार, कहाँ था तू? भैया, शुक्र है, ये ठीक तो है। निराली और नीलू को अपने घर में किरायेदार रहने वाले लड़कों के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 और बंटू की हत्या की कोशिश के लिए सेक्शन 307 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई और उनका साथ देने वाली महिला रेणुका को सेक्शन 420 और 120 बी के तहत 7 साल कैद की सजा दी। यानी सिर्फ किरायेदारों की जांच पड़ताल करना ही काफी नहीं है, अगर आप खुद किरायेदार हैं तो बेहतर होगा कि मकान मालिक के बारे में भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। निराली और नीलू जैसी महिलाओं के कारण कई बार लोग अपराध की शिकार हुई महिलाओं को भी शक की नजर से देखते हैं, पर ऐसी अपराधी महिलाएं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना हर फैसला बेहद सोच समझ कर करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।